हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि अब हम फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होती हैं, पहले तो यही जान लीजिए कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। यानी कि सिंपल मीनिंग, वे प्लांट जो फूल बनाए, यानी कि जिनके ऊपर क्या आते हो, फूल। द प्लांट्स विच बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। एक इनका दूसरा नाम भी होता है, फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंजियोस्पर्म। तो ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर बनाते हैं, तो क्या बता सकते हैं फ्लावर किने कहते हैं? तो अब हम देखेंगे फ्लावर कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, उसमें फूल का महत्वपूर्ण रोल है। और फिर फूल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं? तो हम देखेंगे पहले फ्लावर किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। फ्लावर, इट इज ए मॉडिफाइड सूट, यानी कि जो एक स्टेम है, जो सूट है, वो मॉडिफाई हो चुका है। विच बियर मेल और फीमेल और बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फूल सूट की मॉडिफाइड फॉर्म है, जो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए जाते हैं। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म हो सूट की, जिसमें मेल या फीमेल या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हों, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर। अब इफ फ्लावर कंसिस्ट ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर फूल के अंदर केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? मेल फ्लावर, उसका नाम हो जाएगा मेल फ्लावर। और उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेमिनेट। तो स्टेमिनेट फ्लावर कौन से होते हैं? मेल फ्लावर, जिस फूल के अंदर केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। दूसरा, इफ फ्लावर बियर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इफ फ्लावर बियर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम उस फूल को फीमेल फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर भी कह सकते हैं। पिस्टिलेट, यानी कि जो मेल फ्लावर है वो स्टेमिनेट और जो फीमेल फ्लावर है वो पिस्टिलेट। अब आपको ये देखना होगा कि जो फूल केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बनाता है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा के, बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
इनको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि जो मेल और फीमेल फ्लावर थे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि क्योंकि एक फूल के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसलिए इसको हम यूनिसेक्सुअल कहने लग रहे हैं। अगर किसी फूल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तो हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इफ फ्लावर कंसिस्ट बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर दोनों पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन सच फ्लावर आर कॉल्ड, सच फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल यानी कि उसके अंदर दोनों सेक्सुअल पार्ट है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर ये होते हैं इसके अंदर। अब आप करेंगे अगला टॉपिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कोई भी एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसके मुख्यतः चार पार्ट होते हैं। एनी टिपिकल फ्लावर कोई भी एक हम साधारण सा फूल लें, बियर फोर कंसेंट्रिक होल, फोर कंसेंट्रिक होल, होल का मतलब होता है जो कंसेंट्रिक घेरे होते हैं उनको हम कह रहे हैं। तो किसी भी फूल के अंदर अगर हम मुख्यतः देखें तो चार घेरे होते हैं, चार कंसेंट्रिक रिंग होती है, वो चार पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होल्स यानी के घेरे, वो चार कौन कौन से, नंबर वन कैलिक्स जो कि सेपल से बनेगा, नंबर दो कोरोला जो कि पेटल से बनेगा, नंबर तीन एंड्रोसियम जो कि स्टेमन से बनेगा, और नंबर चार गाइनोसियम जो कि पिस्टिल से या कार्पल से बनेगा, पिस्टिल या कार्पल मिलके फोर्थ घेरा बनाएंगे, स्टेमन मिलके तीसरा घेरा बनाएंगे एंड्रोसियम, पेटल्स मिलके दूसरा घेरा बनाएंगे कोरोला, और सेपल्स मिलके पहला घेरा बनाएंगे कैलिक्स। तो ये चार पार्ट फूल के अंदर होते हैं। अब हम इनको एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करें, देखिए जैसे हमने पता लगाया ये प्लस वन में भी आया था कि फूल के चार पार्ट हैं, चार घेरे हैं, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम। अब उनको हम थोड़ा सा ये डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो फूल की स्टॉक होती है, जो फूल की स्टॉक उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल, क्या कहते हैं पेडिसल, और जिसके ऊपर फ्लावर पार्ट ओरिजिनेट करते हैं उसको हम थैलामस कहते हैं, थैलामस। और जो फूल के जो सबसे पहले वाला जो घेरा होता है फूल का वो सेपल से बना हुआ होता है, किससे, सेपल से, और फिर जो दूसरे जो विशेष प्रकार की जो कलर्ड लीव्स होती हैं वो कलर्ड लीव्स क्या कहलाती हैं, पेटल्स, क्या कहलाएंगी, पेटल्स, यानी के फूल की जो स्टॉक है उसको पेडिसल, जहाँ से ये फ्लावर के जो पार्ट उगते हैं उस बेस को हम क्या कह रहे हैं, थैलामस। इसमें सबसे जो बाहर वाला जो घेरा बनाता है
वो किसके द्वारा बनाया जाता है? सेपल्स के द्वारा, सेपल्स के द्वारा। और जो घेरा बनेगा उसको हम कैलिक्स कहेंगे, यानी कि कई सारी सेपल मिलके एक पूरा कंसेंट्रिक रिंग बनाएंगी, उसको हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। उसी प्रकार ये कलर्ड लीव्स हैं, कलर्ड लीव्स को हम क्या कहते हैं? पेटल्स। ये बहुत सारी पेटल्स मिलके घेरा बनाएंगी, उसको हम क्या कहेंगे? कोरोला। ठीक है, अब यानी के अब जो ये तीसरा जो होल है ये इस रूप में आप देखने लग रहे हैं, इसको हम होल को हम कहेंगे एंड्रोसियम, और इस पार्ट का नाम रहेगा स्टेमन। यानी कि ये जो मैंने जो तीसरा होल दिखाया है ये क्या है? स्टेमन का है, और स्टेमन के होल को हम एंड्रोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। ठीक है, फोर्थ जो पार्ट रहेगा हमारा वो सेंट्रल और इनर मोस्ट होल है, जो ये स्कूल के सेंटर में दिखाया गया है, और आप इसमें देख सकते हैं इस वाली स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल कहेंगे। पिस्टिल ये इसका दूसरा नाम कार्पल है, अभी बताया था आपको, कार्पल या पिस्टिल। अब ये भी कई सारी हो सकती हैं, पिस्टिल या कार्पल एक भी हो सकती है, ये फ्यूज भी हो सकती है, फरी भी हो सकती है, ये हमने आपको बताया था, प्लस वन में भी पढ़ाया था। ये बहुत सारे पिस्टिल मिलके एक घेरा बनाती हैं और उसको हम गाइनोसियम कहेंगे। तो चार घेरे होते हैं फूल के अंदर, कैलिक्स जो कि सेपल के द्वारा बनाया जाता है, कोरोला जो कि पेटल्स के द्वारा बनाया जाता है, एंड्रोसियम जो कि स्टेमन के द्वारा बनाया जाता है, गाइनोसियम जो कि पिस्टिल या कार्पल के द्वारा बनाया जाता है। इस स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे और इस पिस्टिल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। तो ये फ्लावर का एलएस है, जैसे फ्लावर रखा है उसका लेंथ के अनुसार सेक्शन काटते हैं, तो आपको इस रूप में दिखाई देगा, इस एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर एक टिपिकल फ्लावर आपने वैसे माना है, इसमें सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि फूल के चार पार्ट होते हैं, चार मुख्य होल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब हम करते हैं सबसे पहले कैलिक्स। जो ये कैलिक्स है ये सबसे बाहर वाला घेरा होता है, और उसके नीचे फिर कोरोला, उसके नीचे फिर एंड्रोसियम। देखेंगे कैलिक्स, कैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट होल, आउटर मोस्ट होल, डब्ल्यू एच ओ आर एल, सबसे बाहरी घेरा है। ये मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ, क्योंकि जो होल है, जो घेरा है, वो एक पत्ती से तो बन नहीं सकता, उसमें कई सारी पत्तियां मिलके और इसको बनाएंगी। तो मेड अप ऑफ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स, और ग्रीन लीव्स को हम क्या कह रहे हैं? सेपल्स। अब आपको इसका फंक्शन पता लग गया होगा, ये आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन करेगा, और ग्रीन लीव से बना हुआ है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, यानी कि दो इसके प्रमुख कार्य है इस घेरे के। दूसरा हमारा जो घेरा था कोरोला, ये सेकंड होल है, इट इज सेकंड होल ऑफ फ्लावर। ये जो फूल का जो दूसरा घेरा है वो है कोरोला, और ये रंगीन पत्तियों से मिलके बना है, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ कलर्ड लीव्स। जो कलर्ड लीव्स है, जो पंखुड़ियां होती हैं रंग बिरंगी फूल के अंदर, वो पेटल्स होती हैं, वो कोरोला बनाती हैं। तो कलर्ड लीव्स को हम क्या कहेंगे? पेटल्स, उनको हम पेटल्स कहेंगे। अब ये कलर्ड हैं तो
तो ये ब्यूटी प्रोवाइड करेंगे और इन रंग बिरंगी पत्तियों को देख के जो बीज हैं, जो बटरफ्लाईज हैं, वो इनके ऊपर आएंगी और पोलिनेशन में मदद करेंगी। तो हेल्प इन पोलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और ये पोलिनेशन में मदद करेगी। दूसरी ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटी टू नेचर, ये जो प्रकृति को सुंदरता प्रदान करती हैं ये पेटल्स ही हैं। अब एक बहुत समझने योग्य खास बात ये है, अब ये जो डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है, ना कोरोलों का और ना कैलिक्स का, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं हम। स्टार लगा के बोथ कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्योंकि बिकॉज ये दोनों पार्ट डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बोथ पार्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी के इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तो इसलिए हम इनको नॉन एसेंशियल पार्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन कहने लग रहे हैं। नहीं तो आप देख भी रहे हैं ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, पोलिनेशन में भी मदद करवाते हैं, बट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कैलिक्स एंड कोरोला। अब हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंड्रोसियम। क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, एंड्रोसियम, यानी कि तीसरा होल एंड्रोसियम। इट इज द थर्ड होल ऑफ ए फ्लावर, ये फूल का तीसरा होल है। एंड आप सभी को पता है एंड मेड अप ऑफ स्टेमन, ये स्टेमन से मिलके बना हुआ है। स्टेमन हमने अभी आपको अभी दिखाया था, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर थी ऐसी स्टेमन। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या स्ट्रक्चर कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं। तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर, विच कंसिस्ट टू पार्ट। जो स्टेमन है उस, ये पूरा एक स्टेमन है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो फिलामेंट, इसका ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, और जो दूसरा पार्ट है ये क्या है, एंथर। तो नंबर एक फिलामेंट, जो फिलामेंट है इट इज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक ये लंबी धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो एंथर को होल्ड करके रखती है, विच हेल्प्स टू होल्ड एंथर, जो कि एंथर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, ये फिलामेंट। अब दूसरा पार्ट है एंथर,
दूसरा क्या पार्ट है, एंथर स्टेमन का ये दूसरा, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंथर। इट इज ए इलोंगेटेड लोबुलर स्ट्रक्चर, लोबुलर स्ट्रक्चर, ये लंबा सा लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो बनते हैं, यानी कि इट इज इलोंगेटेड लोबुलर स्ट्रक्चर। एंथर मे बी, जो ये लोबुलर स्ट्रक्चर है यानी कि इसमें लोब पाई जाती है। हाँ, लोब एक भी हो सकती है और लोब दो भी हो सकती है, तो एंथर मे बी मोनोलोबुलर। मोनोलोबुलर का मतलब एक लोब हो सकती है, और बाईलोबुलर यानी कि कितनी लोब हो, टू लोब्स। अगर एक लोब है तो मोनोलोबुलर, अगर दो लोब है तो बाईलोबुलर। ये थोड़ा सा देखना है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एंथर की जो दोनों लोब हैं, आगे से एक डीप ग्रूव सा है, एक कैविटी सी है, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग। ध्यान से देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम करके और इस तरीके से ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये क्या है, फिलामेंट, और ये जो हमारी ये डीप ग्रूव है, ये क्या है, डीप ग्रूव, यानी कि ये एक लोब, ये दूसरी लोब, इन दोनों को किसने सेपरेट किया, एक डीप ग्रूव, एक कैविटी सी है, यानी कि एंटीरियर पार्ट की तरफ से ये कैविटी से अलग है, उसको हम क्या कहते हैं, डीप ग्रूव। हालांकि दोनों लोब बैक साइड में एक टिश्यू से जुड़ी हुई है, और उस टिश्यू को हम स्टेराइड टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। यानी कि इन एंथर बोथ लोब्स आर सेपरेटेड, लेकिन आगे की तरफ से लिख देता हूं, एंटीरियर साइड से आगे की तरफ, एंटीरियर बाई डीप ग्रू बट रिमेन्स अटैच्ड फ्रॉम बैक साइड। ये दोनों लोब हैं, ये जो कैविटी इसी बनती है डीप ग्रूव, ये दोनों को अलग करती है आगे से देखने से, लेकिन पीछे से देखने से अगर हम इसको देखते हैं तो ये दोनों जुड़ी हुई है बैक साइड से विद स्टेराइल टिश्यू। एक स्टेराइल टिश्यू इन दोनों लोब्स को जोड़ता है, और ये पूछ सकते हैं एक नंबर में, उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव। यानी कि जो एंथर का आगे वाला हिस्सा दोनों लोब को अलग दिखाता है डीप ग्रूव के कारण, और एंथर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो जुड़ा हुआ पाया जाता है वो किसके कारण, कनेक्टिव्स के कारण। ठीक है, तो ये यानी कि एंथर, अगर हम इस एंथर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अगर हम इसको ऐसे काट दें तो यानी कि बीच में से टीएस काट दें तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ऐसे, यानी कि इस तरीके का जो दिखाई देगा, ये हमने इसको बीच से काट दिया ऐसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है,
तो अगर ये elongated एंथरलोब थी, जब इसका TS काटते हैं, TS ट्रांसवर्स, तो आपको यहाँ पर ये ऐसे चैम्बर दिखाई देंगे, यानी के ये चैम्बर्स, मैं यही बात बताने वाला हूँ, यानी के ये जब कंप्लीट था तो अलग elongated स्ट्रक्चर दिखाई देने लग रही थी। जब हमने इसका जैसे बीच में से TS काटा तो आपको ये वाली इंटर्न स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगी, यानी कि ये सर्कुलर ऐसे दिखाई देगा। अब आप इसको समझ सकते हैं ध्यान से, ये इधर वाली ये एक लोब थी, ये तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक लोब, और ये इधर वाली ये पूरी एक लोब थी, ये तो ये भी क्या हुई, इसकी दूसरी लोब, ठीक है, दो लोब। और आगे से ये जो डीप जो मैंने ग्रूव बताया था ये, और जो पीछे से मैं जुड़ी भी बताने लग रहा था, ये वाली चीज ये है वो कनेक्टिव्स, ये क्या है वो कनेक्टिव्स। तो इलोंगेटेड एंथर को जब हमने बीच से काट के देखा तो TS करके देखा तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में दिखाई दी, हालांकि TS ऑफ एंथर अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना समझना है ये पूरी एक लोब है, ये भी पूरी एक लोब है। हम इसको अंदर से देखना चाहते हैं, एक लोब के अंदर ये दो चैम्बर है, यानी कि लोब एक और एक दो, लेकिन एक लोब के अंदर ये दो चैम्बर, उसी प्रकार इस लोब के अंदर भी एक और एक ये दो चैम्बर, तो दो चैम्बर इसमें और दो चैम्बर इसके अंदर, तो ये समझने की बात है। अब ये बाहर से ये क्या था, डीप ग्रूव, और जो ये जो पीछे की तरफ है जो तो ये वाली लोब और ये वाली लोब जो जुड़ी हुई थी पीछे की तरफ, उसको हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव्स। क्लियर, अब थोड़ी सी बात और समझने की है, क्या लिखेंगे, यानी के ईच लोब ऑफ एंथर, ये बिल्कुल ध्यान से समझना है, यानी कि ये वाले लोब भी या ये वाले लोब, तो हम पहले इसकी बात, ईच लोब ये वाली लोब, ये ईच लोब ऑफ एंथर कंसिस्ट, ईच लोब ऑफ एंथर कंसिस्ट, ये दो कंसिस्ट, टू इलोंगेटेड, क्योंकि ये नीचे तक है ना इसे, यानी कि ये ऊपर तो इसका ऊपर सेक्शन कटा हुआ है, ये नीचे तक है, वो भी नीचे तक है, टू इलोंगेटेड सेक या चैम्बर, टू इलोंगेटेड सेक या चैम्बर, यानी कि एक एंथर में एक लोब हो सकती है या एक एंथर में दो लोब हो सकती है। हम जो ये एंथर लिए हुए हैं डाइकोट का, इसमें दो लोब होती हैं, एक लोब और दूसरी लोब। अब मैं क्या लिख रहा हूं, लोब तो दो हैं, लेकिन एक लोब के अंदर क्या दो इलोंगेटेड सेक या चैम्बर है, कॉल्ड इन सेक या चैम्बर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया। आप एक बार फिर से समझें, एंथर के अंदर दो लोब हैं और एक लोब के अंदर दो इलोंगेटेड चैम्बर हैं या सेक हैं, उन इलोंगेटेड चैम्बर या सेक को हम पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, यानी कि एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या दो पोलन सेक, ठीक है, तो दूसरी लोब के अंदर भी कितने होंगे, दो, तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरफ और दो माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरफ, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरी लोब में भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया। इट मींस बाइलोबुलर एंथर, यानी कि दो लोब वाला एंथर, इट्स कैसा होता है, बाइलोबुलर, दो लोब वाला एंथर।
लेंथ है उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, एक लोब में दो है तो दो में चार, इज टेट्रास्पोरेंजिएट, 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 बिल्कुल बात स्पष्ट है। एंथर एक, लोब दो, ठीक है। अब एक लोब में दो चैम्बर है और इलोंगेटेड चैम्बर है, उनको हम क्या कह रहे हैं, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया, उनमें क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। अब एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो दो लोब में कितने हो जाएंगे, चार। इसलिए इस बाइलोबुलर एंथर को हम क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, एंड ऑल्सो नोन एज डाइथिकस एंथर, डाइथिकस एंथर, जिस एंथर के अंदर दो लोब हो उसको हम क्या कहेंगे, डाइथिकस, और एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो तो दो के अंदर चार हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। तो ये था यानी के एंथर और एंथर की लोब और एंथर की लोब के अंदर ये चैम्बर जिनको हम पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अब सबको पता लग गया होगा इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर यानी के पोलन ग्रेन। तो ये हमारा क्या था आपको बताओ, स्टेमन। तो स्टेमन के दो पार्ट, फिलामेंट, एंथर, ठीक है। एंथर के कितनी लोब, दो, एक लोब दो लोब, ये वाली एक लोब दो लोब, ये दोनों लोब डीप ग्रूव से अलग है एंटीरियर साइड से देखे तो, लेकिन पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये दोनों लोब ये और ये दोनों लोब इससे जुड़ी हुई है, उसको हमने क्या बताया था, कनेक्टिव्स। अब एक लोब में कितने चैम्बर हैं, दो, और दूसरी लोब में भी दो, तो दोनों लोबों में कितने चैम्बर हो गए, चार। इसलिए इस तरीके के एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं और दो लोब वाले एंथर को हम डाइथिकस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टीएस ऑफ एंथर करेंगे। ओके, थैंक यू।